मोदी का एक और नया दाव, जल्द एक देश एक चुनाव। आठ खंड 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट की तैयार। देश की चुनावी तस्वीर बदलने वाला है ये कदम। 191 दिनों में हुई एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट तैयार। उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपती है, जिसमें 18,626 पन्नों की यह रिपोर्ट 8 खंडों में है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली यह उच्च स्तरीय समिति एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश कर रही है। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावना को लेकर बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जानकारी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक ठोस मॉडल की सिफारिश की है। 191 दिनों में रिसर्च वर्क का परिणाम, यह रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को समिति के गठन के बाद हितधारकों विशेषज्ञों के साथ चर्चा और 191 दिनों के रिसर्च वर्क का परिणाम है। समिति ने कहा है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जिसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश सूत्रों के अनुसार, इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की सिफारिश की गई है। साथ ही एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश भी की गई है। प्रस्तावित रिपोर्ट लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल मतदाता सूची पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सितंबर 2023 में गठित समिति को मौजूद संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए एक लोकसभा, राज्यसभाओं और नगर पालिकाओं तथा पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी भारती समाचार, दिल्ली। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।